नमस्कार, मोर नाम सोमा चक्रवर्ती। मैं सी सी हेड अफिशर पर आज मैं तुम लोगों किसान नतुन नतुन मैं टपिक आनीसो आसन मोर साओ ये टपिकबूर। सो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एचडीडी एंड एसएसडी। एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव एंड एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। सो अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी एंड परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इज प्लेस इन द सिस्टम इज सिमिलर टू अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि देखिए हम लोगों के जो ब्रेन है वो क्या करते हैं, डाटा स्टोरेज करते हैं। ठीक है ना, अभी आपका प्रेजेंट का मान लो, पास्ट का मान लो, सब डाटा हम लोग के ब्रेन में सेव होते रहता है। तो ठीक इसी तरह हार्ड डिस्क भी काम करता है और ये परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा है ये हार्ड डिस्क स्टोरेज डाटा फ्रॉम 1 GB टू 500 GB और इवन मोर देन डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड ड्राइव। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ रीच्ड अप टू 2 TB। ठीक है, अभी जो आपको बाज़ार में मिल जाएंगे आपका अप टू 2 TB, मतलब 1 TB भी आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा इसका टाइप, हार्ड डिस्क ड्राइव का टाइप्स आपको मिलेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, स्टैंडर्ड डिवाइस, सीरियल डाटा, स्काजी हार्ड डिस्क दैट मीन्स SCSI, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, वायरलेस हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव की, दैट मीन्स SSD। सो अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, जैसे कि HDD में है। मैंने इंटरनल पार्ट्स भी यहाँ पे मैंने शो किया है एक स्लाइड बाद, वो आप लोग देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो चीज़। सो SSD हैज़ नो स्पिनिंग प्लेटर्स। ठीक है, इसके अंदर कोई मूविंग प्लेटर्स नहीं है। ठीक है, तो ये 10 गुना बहुत फास्ट है HDD से, लेस पावर। ठीक है, इसको कम पावर से ये चलता है बिकॉज इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आराम से इसको कम पावर से ये चल जाता है। इसका वेट भी आप लोग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट है। ठीक है, और ये डाटा क्रैश होने का बहुत चांसेस कम रहता है, मैं बोल सकती हूँ कि 3-4% मतलब रहता है, 97% 96% ये सही रहता है अगर बाई चांस आप लोगों के हाथ से ये गिर भी जाता है तो। सो ये साउंड नहीं करता, जैसे कि जो हार्ड डिस्क होता है आप जब सिस्टम स्टार्ट करते हो एक साउंड होता है, लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं होता। लेकिन एक डिसएडवांटेजेस है इसका कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो हम लोगों का हार्ड डिस्क है। सो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो SSD बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे। सो आउटसाइड, ये है आउटसाइड आपका जो SSD और HDD का आउटसाइड है ये। ठीक है, अभी ये देखिए ये इंटरनल साइड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्लेटर है, हेड एक्चुएटर है और इसके अंदर SSD में बहुत सारे चिप लगे हुए हैं। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट मैं दूंगी, यहाँ पे देखिए। सो जो ये प्लेटर है, ठीक है, ये जो आप प्लेटर देख पा रहे हो दिस वन, ये किसी भी तरह अगर स्क्रैच या फिर ब्रेक हो जाए तो फिर डाटा आप लोगों को मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो SSD है
आप अगर गिर भी जाए तो डाटा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा इन द सेंस आपका 2-3% चांसेस रहता है डाटा लॉस होने का, लेकिन इसमें आप मतलब क्या बोल सकते हो, क्योंकि ये अगर क्योंकि यहाँ पे डाटा स्टोर रहता है, ठीक है, ये रीड एंड राइट करता है, तो डाटा इस पर अगर कोई हैम्पर हो गया तो डाटा मानो आपका चला गया। और ये साइज़ में भी देखो बहुत मतलब बड़ा है, क्योंकि ये 3.5 inches का है, ये 2.5 inches का है, ठीक है। सो इसका जो लाइफ है तकरीबन आपका मिल जाएगा 10-20 साल, और इसका मिल जाएगा आपका 30-40 साल ये जाएगा आपका। सो लाइफ भी इसका SSD का बहुत ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। सो थैंक यू।